उसको काफिर कहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके खिलाफ जंग किसी और के हुक्म से नहीं हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुई। और उसमें चूंकि वो बहुत ताकतवर था, लश्कर तैयार करने में एक थोड़ा अरसा लग गया, 5-6 महीने 8 महीने का अरसा उसमें आ गया, लेकिन हुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब कादियानी हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं ला, जो कलमा पढ़ता है कैसे, जो कलमा पढ़ता है मुसलमान, मुसलमान नहीं ये अच्छा थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। मेरे हिसाब से ये तब्दीली 74 की कार्रवाई के बाद इनके अंदर आई है, जहां तक मैं समझू 53 और से इब्तदा हुई है, 74 के बाद इन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी है कलमा पढ़ने वाला काफर नहीं था। लेकिन इससे पीछे अगर इनके दलाइल नबुवा देखे ना, माइक म्यूट करें एक भाई नदीम साहब, माइक म्यूट करें, सॉरी सॉरी। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, मैं जिक्र कर रहा था कि अगर इनसे पीछे जाके देखे ना, जो इनके दलाइल नबुवत थे, जिनकी लोरियों के दरमियान इनके दरमियान बहस हुई थी, तो कुफर का मसला दलाइल नबुवत में था इनके, कि मिर्जा कादियानी का मुनकर अगर काफर इस वजह से डिक्लेयर कर रहे थे कि मिर्जा कादियानी की नबुवत साबित की जा सके, अगर इसका मुनकर काफर नहीं है तो ये इसमें मर्तबा नबुवत पर फायज नहीं हो सकता। दोबारा कहें, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कही, दोबारा कहें क्या कहा आप? जो इनके दरमियान मसला कुफर कुफर इस्लाम की बहस ना लोरियों के साथ इनकी, हाँ वो नबी नहीं, उसका बुनियाद पीछे ये थी कि ये दलील नबूवत थी कि मिर्जा कादियानी का मुनकर अगर काफर साबित हो जाए ना, तो मिर्जा कादियानी मनसब नबूवत पर फायज साबित हो जाएगा, अगर इसका मुनकर काफर साबित नहीं होता तो मिर्जा कादियानी मनसब नबूवत का अहल नहीं बनता, उस ओहदे पर नहीं पहुंचता कि जहां जाकर बंदे का इनकार को कुफर करार देता है। अच्छा। वो इस्तलाही मानों में नबी कहलाने का कदार नहीं हो सकता। ये मसला कुफर इस्लाम नबूवत की दलील में इनके दरमियान आया है। हाँ हाँ, वो तो कायदे महमूदिया में लिखा है, इन्होंने एक किताब लिखी थी लाहौरियों ने। आपका मुताला मुझसे बहुत ज्यादा है। हाँ जी। नहीं मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, मैंने वो पढ़ी। बताएं किताब, बताएं कायदे महमूदिया, बताएं बताएं। वहां पर मैंने पढ़ा हुआ है उसका, मौलवी बशर मौलवी क्या नाम है उसका, मुदस्सर की लिखी हुई है अकायद महमूदिया। ठीक है। तो तीन ये... तीन हिस्से हैं उसके मैंने पढ़े हुए हैं। हाँ मतलब आप तीन कर दिए होंगे, पहले एक वॉल्यूम में भी आती थी, पीडीएफ था उसका, अब भी है, मैंने डाउनलोड, मेरे पास तीन पीडीएफ में अकायद महमूदिया पढ़ी हुई है मैंने। वो हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, ऐसी ऐसी बातें वहाँ, तो ये भी लिखा हुआ है कि तुम कहते तो हो ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा कादियानी रसूल अल्लाह, तो तुम्हें उर्दू में कहते हो, पंजाबी में कहते हो, अरबी में कहने की में क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने एक अफ्रीका की मस्जिद पर भी लिख भी दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूल अल्लाह, वो आई थी बात सामने, आई वो सामने बातें आई थी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो दलील थी ना इनकी, ये दलील नबूवत थी, इसके लिए बहुत दफा ये इन्होंने जो लिखी है ना, मिर्जा बशीर अहमद एम ए का मजमून है कलमतुल फसल में छपा था, मार्च का शुमारा है 1915 का, उसमें यही चीज उसने साबित की थी कि ला नफरकु बैन अहद मिन रसूलिह। अच्छा। सारी बहस इसी पर थी उसकी कि मिर्जा कादियानी जिस तरह दीगर अंबिया है इसी तरह नबी है, जिस तरह दीगर अंबिया का इनकार कुफर है इस तरह मिर्जा कादियानी का इनकार कुफर है। देखिए बात यह है कि कादियानी बात शुरू करते हैं ऊपर से, जहाँ बुनियाद इनकी निकलती है ना, किसी नबी की बुनियाद जो है वो तो कुरान पाक में है, लकत काना लकुम रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए उस्वा हसना बना दिया है। तो मैं इन्हें कहता हूँ ठीक है, हमें उस्वा हसना दिखाओ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, क्योंकि एक रसूल की निशानी ये होती है, सबसे बड़ी निशानी कि वो लकत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन, तो उस्वाए हसना पर बात कर लेते हैं। अगर तो ये इस काबिल हुआ उस्वाए हसना कि जनाब ये बड़ी कमाल की चीज़ है, तो हम फिर आगे सोचेंगे कि भई गलती कहाँ है। क्या ख्याल है आपका नईम अवान साहब? आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है? अच्छा, इनकी दो ही बहस। हाँ जी, नहीं ठीक है, आपने तो इनका राज खोल दिया, इनके अलावा कोई बात इनके पास करने के लिए नहीं है, और करनी भी इनकी शरायत पर है, असूलों पर नहीं, उन शरायत पर जो ये तय्यन का युद्ध लगाएंगे। वो गलत बात है ना, देखें बात होनी चाहिए
इसीलिए आपको मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अगर आप समझते हैं ना कि ये मसले बातें करने से हल होते हैं तो नहीं होते। बातें करने से, किसी को समझाने से हल होते तो ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें ये बात मिल जाती। ना उन्होंने मकालमा किया अस्वद अलंसी से, और ना ही आप रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी मुसैलमा अल कज़्ज़ाब को कि जब ख़त का जवाब दिया तो आपने सीधा इनकार कर दिया कि तुम कज़्ज़ाब हो, फुल स्टॉप, माफ़ी मांग लो और अल्लाह ताला के रसूल को, अल्लाह ताला को वैसे ही कबूल करो जैसे हुक्म है। ये बिल्कुल नहीं कहा आओ हम तुम्हें समझाते, कहा ही नहीं। डिबेट नहीं की, दावत दी है। तादाद में थे उनका क्या बना था? वो सारे जब उन्होंने देखा झूठा ना भी मारा गया, वो या तो मुसलमान हो गए होंगे या फिर क्या उनके साथ मुसलमानों ने क्या किया था? आप इतनी बहस करते हैं लोगों से, आप उनकी बात भी नहीं मानते हैं, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए उनका क्या बना। डॉक्टर साहब आपको भी पता है इसका कि इतनी बहस करता बड़ी बात है। नहीं नहीं, मलिक साहब से एक दो मरतबा बात हुई है तो मलिक साहब बस अपनी बात के बड़े पक्के हैं। सर माजर चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, आप इसलिए आपसे रहनुमाई की दरख्वास्त है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें जी, बात ऐसी है कि मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के साथ एक औरत थी जिसने दावा नबूवत किया, उसका नाम था सज्जाह बिन्नत आरस बिन्नत अबू सईद। तो उसने नबूवत का नबिया कहती थी अपने आप को, तो उसने भी एक लश्कर तैयार किया था मुसलमानों से लड़ने के लिए, लेकिन उसे बाद में अंदाजा हुआ कि मुसलमानों से लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। तो वो जाके मिल गई मुसैलमा अल कज़्ज़ाब से। तो मुसैलमा अल कज़्ज़ाब कादियानियों जैसे ही था, वो ऊपर से कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा कुरान वही, मेरी ईद वही, मेरी नमाज वही, मेरा काबा वही और मेरे सारे रोज़ा वही, सब कुछ। और आपको हैरानी होगी वो तो इतकाफ़ भी किया करता था रमज़ान में। तो लेकिन पीछे से जैसे कादियानियों ने अमेंडमेंट कर रखी है ना बेशुमार, के जन्नत ज़मीन पर थी, शैतान इंसान था और ऐसी बेशुमार खराफात इनके अकायद में भरी हुई हैं जिनका हमारे पास रिटन प्रूफ है। तो पीछे से उसने कुछ अमेंडमेंट्स कर रखी थी, उनमें से एक अमेंडमेंट थी कि अगर तुम शादी करना चाहो तो औरत कहे यस, तुम कहो यस, कोई गवाह नहीं चाहिए, सब कुछ शादी हो गई, और जब तुम्हारा दिल शादी तोड़ने को कहे कहो नो, औरत कहे ओके तो शादी ख़त्म हो गई। तो इस तरह उसने सज्जाद बिन थारत से शादी कर ली, और सुबह उठ के उसने लोगों को बताया कि भाई लोगों, मैंने इस ख़ास नबिया से शादी की है और इसको जहेज में मैंने दो नमाजें दे दी हैं, एक सुबह की नमाज और एक इशा की, फजर और इशा की। उसने कहा भाई वो खुश हो जाओ, इस शादी के नतीजे में आज से तीन नमाजें ही होंगी, जोहर असर और मगरब, बाकी ख़त्म। अब उसके थोड़े दिनों बाद ही ये जंगे यमामा हो गई, तो उसमें वो मारा गया। तो लेकिन वो जब जंग शुरू हुई थी तो उसने पहले दो लश्करों को, मुसलमानों के लश्करों को शिकस्त दे दी थी, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन शिकस्त थी दो की। ये तीसरा हमला खालिद बिन वलीद ने किया था और इसमें फतह हुई मुसलमानों को, इसीलिए शहादत बहुत हाई थी। इसके बाद जो बचे खुचे लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम की तरफ आ गए, लेकिन उनका एक हिस्सा सज्जाह बिन हारिस की, उन्होंने उसको अपना लीडर बना लिया और वहाँ छुप छुपा गए या इधर उधर फैल गए। आज तक नजद के सूबे में उसके मानने वाले मिलते हैं। उसके सबूत के तौर पर आप एक किताब डाउनलोड करें, उसका नाम है मज़ाहिब करके कुछ, उसका नाम है, देखें मुझे हर वक्त याद होता था, याद आएगा तो मैं, ये लिखी है सन 1650 में लिखी है और इसका नाम मज़ाहिब करके कुछ है, इससे पहले एक लफ्ज़ है, और इसका सातवां चैप्टर है वो है मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के बारे में। मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के फ़िरके का एक नाम था उसने रखा हुआ, जैसे कादियानी अपने आपको हकीकी इस्लाम कहते हैं ना और कहते हैं सिलसिला आलिया अहमदिया, तो उसने अपने फ़िरके का नाम फ़िरका सादकिया रखा हुआ था, इसलिए चैप्टर का अनवान है फ़िरका सादकिया के अकायद।
तो वो अपने आप को फिरकाए रहमानिया भी कहता था, और एक और वो बात कहता था, जैसे कादियानी कुरान पाक की मानवी तारीफ भी करते हैं और लफ्जी भी तारीफ करते हैं और इसकी और भी बहुत सारी तारीफ, मनसबी तारीफ, हर किस्म की तारीफ करते हैं। इसी तरह उससे किसी ने पूछा कि मुसलमे ये तेरा तो कोई जिक्र नहीं है, कहता कहता जानते हो जी मेरा तो जगह जगह जिक्र है। लोगों ने कहा कि अच्छा बता कहाँ पर है, कहता लो जी तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनी नहीं है। उन्होंने कहा सुनी है, तो वो अपना नाम उसने रहमान रखा हुआ था, जैसे मिर्ज़ा कहता है ना मुझे इल्हाम हुआ मैं ही मोहम्मद नाऊज़ बिल्लाह और मैं ही अहमद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता था खुदा ताला ने मेरा नाम रहमान रख दिया इसलिए उसका फिरका फिरका रहमानिया भी कहलाया। कहता है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब उसका ये था कि शुरू करता हूँ रहीम के नाम, शुरू करता हूँ, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बनता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान और रहीम है, लेकिन वो कहता था इसका मतलब ये है कि शुरू करता हूँ रहमान के अल्लाह के नाम से जो रहीम है। आप गौर से सुने, मुसलमा कहता था शुरू करता हूँ रहमान के अल्लाह के नाम से, वो कहता था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये मतलब नहीं है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, कहता है इसका मतलब है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से रहमान के अल्लाह के नाम से जो रहीम है। और वो अहले ज़बान था वहाँ का, मतलब मदीना शरीफ से कोई, देखें उसका जो दारुल हुकूमत था वो आजकल रियाद कहलाता है, वही यमामा का दारुल हुकूमत था। तो उसके मरने के बाद सज्जाद बिन हारिस उसकी जानशीन हो गई, ज़मीन तो उससे छिन गई, यमामा की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, लेकिन वो इधर उधर छुप गए और इसके बाद भी उसके खलीफे बनते रहे और आखिर में उसका एक किया बादशाह अकबर के दरबार में कि मैं मुसैलमा अल कज़ाब का खलीफा हूँ, और उसने मुसैलमा अल कज़ाब के अकायद बयान किए, जो इस किताब जो मैंने आपको बताया ना इसका नाम क्या, बड़ी मशहूर किताब है, आप मज़ाहिब करके लिखें आपको पूरा नाम इसका निकल आएगा, लिखें मुसैलमा कज़ाब और मज़ाहिब, आपको किताब का नाम PDF सब नज़र आएगा, मुफ्त में डाउनलोड होती है, पढ़ें आपको वहाँ पर लिखा हुआ है क्या हुआ इनका। आज भी उसके मानने वाले हैं मुसलमा के जी, यानी कि आज भी मुसलमा का कोई ना कोई इंसान उसके मानने वाले से भाई। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ आप सुबह नजद में जाएं, मुझे उन्होंने बताया कहाँ पाए जाते हैं, वो ऐलान नहीं करते हैं। कर रहे हैं जिस तरह बड़ी चंगी गाल है। मैं तो बस सारे हैरान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, ये भी है नहीं देखो, यानी कि कुफर यानी कि टोटल मिट नहीं सकता, इसका मतलब है नहीं मलिक साहब, शैतान को क्यामत के दिन तक की छुट्टी मिली हुई है, तो ये कैसे हो सकता है उसके मानने वाले ना। तो यानी मेरा क्वेश्चन सर यही था कि जो बच के लड़ाई में साहबा ने उनके साथ क्या किया जो मुसलमा को मानने वाले थे, सर आपको कुछ मिल गए उस औरत से कुछ मारे गए होंगे। मोटी सी बात समझ यार, जो तो बच गए एक हिस्सा कत्ल हो गया, ठीक है बिल्कुल, बाकी बच्चे या उन्होंने मान कबूल किया या भाग गए, अक्सर मुसलमान हो गए। अच्छा सर, दो ही रहते हैं या भाग गए, और जिन्होंने कहा नहीं ऐसी जिन्होंने कहा नहीं ऐसी फिर भी उन्हें मानना है, तो साहबा ने उनको मार दिया या छोड़ दिया, दो ही चीजें बची, या मुसलमान हुए या भागे हैं, वो भाग गए, अकीदे पर कायम नहीं रहे फिर, यानी मुसलमानों ने उनको अपने अकीदे पे कायम नहीं रहने दिया, मेरा मेन क्वेश्चन था अकीदे पर नहीं रहने दिया, उस पर कायम उधर वही बंदा रहा है जिसने ईमान कबूल किया, यानी अकीदे पर रहा वो भाग गया जान बचाई, यानी मुसलमानों ने कहा या मुसलमान हो जाओ या फिर आई जी तलवार, बिल्कुल बस वही यही कहा उन्होंने, बिल्कुल यही कहा जी जी, समझ गया सर की यही सजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जजाकला सर जजाकला। और दूसरा क्वेश्चन सर, ये जो कादियानी है इनसे कोई बायस करो ना कि यार तुम्हारे मिर्जा ने 1400 समथिंग गालियां लिखी हुई हैं, वो कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला कहता है मखलूक है, सुअर का भी नाम अल्लाह ने सुअर का भी नाम लिया है, पूछ दिन भी आपको बताया था यार, बात सुनो ना जी जी, जो बंदा ये दलील देता ना उसे कहो कि अगर कुरान में आया तो फिर मिर्जा का देनी को सुअर कहने से हम पर कोई हुकूमत नहीं लगेगा ना, उसके बाद जो गालियां तुम्हें मिलेंगी ना वो वाले गनीमत समझ लेना बस, ठीक है लाजमी नहीं होता बात पर दलील से बहस की जाए, किसी कभी बात पलटा कभी बात साबित कर दी जाती है। मलिक साहब
अगर मैं कोई यहाँ पर कादियानी बैठा हो तो मैं उसको कहूँ भाई तेरा वल्दुल सना वल्दुल हराम मिर्ज़ा कादियानी कैसा है, आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या कहेगा? मुझे तो आगे ही कहते हैं, गालियां देते हैं। बिल्कुल यही गालियों को कहेगा, मैं कहना मेरे गले पे बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं भाई ये कोई कॉलर आए हैं, मैंने नहीं है बात तो करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीर साहब अपना माइक ओपन करें। वालेकुम सलाम, नहीं आ रही आपकी आवाज भाई, क्लियर नहीं आ रही। जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत मदम आवाज है। जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात जारी रखें। नहीं नहीं मैं तो वो मदक साहब का जवाब दे रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हर किस्म की गालियां दी हैं लोगों को, लेकिन जब हम वो गाली वापस उसकी तरफ लौटाते हैं, हालांकि उसने कहा है कि किसी की दी हुई गाली उसी की तरफ लौटाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप देखें ये इल्ज़ाम अगर जब इनको कोई खुले लफ्जों में बताता है ना कि तुम मुर्तद हो, और जब इन्हें कहता है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपको इस्लाम का मतलब है कि बगैर किसी शर्त के अपने आप को अल्लाह ताला के हुजूर सरेंडर कर दो, अल्लाह की रजा में मुकम्मल तौर पर मानो और इस्लाम के किसी हुक्म की बातिल तावील ना करो और एक बात भी मत छोड़ो, तो तब मुसलमान होता है आदमी। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और इस्लाम के अहकाम की बातिल तावील करता है वो मुसलमान नहीं, जिंदीक हो जाता है। कुफर की सबसे गंदी शक्ल का नाम का जिंदीक। बिल्कुल, जो अपने कुफर को इस्लाम कहता है। हाँ नहीं वो ये तो इस्लाम का फिका का असूल है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से ये जरूरी है मुसलमान होने के लिए, लेकिन जो इसको पढ़ कर इस्लाम के अहकाम की पाबंदी करता है और उसकी बातिल तावील नहीं करता वो मुसलमान है, और जो इसको पढ़कर इस्लाम के अहकाम की बातिल तावील करता है वो जंदीक है, और वो आम काफिर नहीं है, वो जंदीकी काफिर है, और जंदीकी काफिर का कोई मजहब नहीं होता उसका, और ला इकराफुद दीन के जमरे में नहीं आता। ये बात उन्होंने असेंबली की कार्रवाई में मिर्ज़ा नासिब को बता दी थी, ये एक मौके पर इसका जिक्र आया तो उन्होंने साफ बता दिया था कि आप इसके जमरे में नहीं हैं, और पाकिस्तान के आइन में हम यकीनी बनाएंगे कि ये बात वाजे कर दी जाए। ये बेहतर हो गया डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी बात है, क्लियर हुई है। हम समझी बस, हर बहुत से मामलात क्लियर हुए हैं ना, 15 दिन बहस चली है, कोई एक ना एक 87 सब्जेक्ट पर बात हुई है, कोई ना कोई मेरे ख्याल से कोई मोड़ उन्होंने छोड़ा नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कहता हूँ जिसने कभी कादियानियत नहीं पढ़ी वो असेंबली की कार्रवाई पढ़ ले, उसे सब कादियानियत समझ लग जाएगी, असेंबली कार्रवाई पढ़ ले सब। हाँ जी बातें खुल के सामने आ जाएंगी, मैं कहता हूँ ना सिर्फ खुल के सामने आएंगी उसे ये भी पता लग जाएगा कादियानियों से बात कैसे करनी है। बिल्कुल, सवाल क्या करना है, सवाल के अंदर कितने सवाल है। हाँ क्योंकि वो एक एक बात पर ना, आप अवान साहब तुम यकीन करो इस सवाल दे किन्ने जो इनको अपने एक एक बंदे का पता है, इनका एक तजनीद का महकमा है, तबशीर का महकमा है, इन्होंने लिख रखा है जमा तफरीक रोज सुबह दोपहर शाम जमा कर देने किन्ने पैसे आने इन्हें सानू इस साल, फिर खत लिख देने यार इनको कहो इखलास दिखाएं इखलास दिखाएं सारे चंदा जात, फिर तारीखें मुकर्रर करते तहरीके जदीद यहाँ तक तहरीके नौ यहाँ तक जलसा सलाना दें, ये सारा दिन अपनी तादाद गिनते हैं और पैसे गिनते हैं। उसके बाद अगर आप इस जमात के सरबराह से ये पूछें कि भाई साहब तुम्हारे पास कितने आदमी हैं, तो वो जो एक फिल्म का डायलॉग दोहराते हैं कि कितने आदमी थे, तो आप मुझे बताएं कि उसका क्या जवाब होना चाहिए, सीधा जहा जवाब के पढ़िए मैंने, ठीक है ना, तो उस अंदाजा भी कोई नहीं लगा सका ना, अंदाजन भी कोई नहीं पेश कर सका, पता ही कोई नहीं, प्यार ने कहा यार गैसी कर ले, कोई गैस नहीं थी,
ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਬ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੇ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਜਮਾਤ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਲਾਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤਜਨੀਦ ਕਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਕਾ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਫਾਰਮ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਘਰ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੋ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਕਭੀ ਇਨਕਾ ਤਜਨੀਦ ਕਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਹੈ ਵਾਂ ਤੋ ਯੇ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸਨ ਔਰ ਵੋ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਫਾਤ ਸ਼ੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਕਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸਵਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ 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 ਪੈਸੋ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਬਣੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਕੋ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਔਰ ਯੇ ਪੈਸਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਚੱਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਵੇਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਨਦਾਨ ਉਤਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮੰਗ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਾ ਆਪ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਬ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਂ ਤਹਿਰ ਅਮਜਦ ਕੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੱਦੀ ਬੁੜਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁੜਾ ਕੇ ਦੀਏ ਤਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਇਦ ਮਹਿਮੂਦੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਹਰ ਬਾਤ ਕੋ ਝੁਟਲਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਟਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਕਾਫਰ ਕਹਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਸ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਿਸ ਸੈਂਸ ਮੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਬਸ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਨਾਮ ਚੁਪਕਾ ਰੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਚੁਪਕਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਾ ਵੋ ਤਕਰੀਬਨ 1940 ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ 1913 ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੇ ਪੈਗਾਮ-ਏ-ਸੁਲਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਅਫਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੁਜਤ ਇਤਮਾਮ ਵਗੈਰਾ ਯੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਖੁਤਬਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਯੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਕੇ ਖੁਤਬਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਜੋ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀ ਨਾ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕੋ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕੀ ਤਹਿਰੀਰੋਂ ਸੇ ਵੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋ ਗੈਰ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸੇ ਉਸਕੋ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ہاں وہ اسی طرح ان کی بنیادی دلیل آپ نے سنا ہوگا عبدالحکیم پٹیلوی کو خط ہے جو کہ جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اسی خط سے محمد علی لاہوری نے تکفیر کی نفی ثابت کی ہے اسی خط سے یہ تکفیر ثابت کرتے ہیں یہ جو آپ عبدالحکیم پٹیالوی کی بات کر رہے ہیں ہاں پٹیلوی کی میں اسے عبدالحکیم پٹیلوی کی بات کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر تھا میں کہتا ہوں یار کیا کمال کی میں کہتا ہوں نہیں مہوان تھا وہ بڑی کمال کی شخصیت تھا وہ 20 سال اس کا مریض رہا بالکل رہا ہے ایک دن اس کی قسمت جاگ گئی وہ کسی اچھی جگہ سے گزرا ہوگا یا کسی فرشتے نے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب سوچو تو اس نے اس کو خط لکھ دیا کہ بھائی تم تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو اس نے لکھنا شروع کیا آپ کو پتہ ہے نا کیا کہتا تھا مرزا قادیانی عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں کہ اس نے کیوں چھوڑا اس کو آپ نے وہ وجہ پڑھی اس نے جو وجہ پڑھی لکھی ہے نا کہ اس نے کہا کہ جو وجہ اس نے لکھی تھی کہ یہ کہتا ہے نبی کا ماننا ضروری نہیں ہے قیامت اور توحید دو ہاں وہ یہی کہتا تھا آپ نے ٹھیک کہا وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو یہ کہتا تھا کہ جنت میں سب قسم کے لوگ جائیں گے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہتا ہے یہ بڑا غلط عقیدہ ہے تو میں نے اس کی بنا پر اس کو سرزنش کی تو یہ چھوڑ گیا اس کو
हालांकि उसकी किसी तहरीर से या किसी और जगह से साबित ही नहीं है, और दूसरी जगह साबित है, ये चीज साबित है उसकी अब्दुल हकीम, लेकिन उस पटेलवी की ये बात साबित है, लेकिन उसने ये वजाहत की है खुद, ये साबिक कादियानियत में जिल्द 60 में उसका मौजूद है जिक्रुल हकीम नंबर 4। मैं उसकी आपको पूरी बात बताता हूँ, साबिक कादियानियत जिल्द 60 है। अच्छा, वो मुसलमान की लिखी हुई, ठीक है, हाँ उसमें मौजूद है ये जिक्रुल हकीम नंबर 4 में, वो मुझे पता, मैं आपको बताता हूँ, उसने फिर उसकी वजाहत लिखी है, उसने कहा कि मैंने ये जो बात की है ये उन लोगों के लिए जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, वो अपने मजाहब पर हैं, वो तौहीद को और अल्लाह को मानते हैं लेकिन इस्लाम की उनको दावत ही नहीं पहुंच सकी, नबी करीम का नाम भी नहीं उनको पहुंचा। आपका क्या ख्याल है? ये बात मेरी उन लोगों की है, ये आर्गुमेंट था उसका, उसकी पूरी वजाहत है, ये 7 खात उसके छपे हैं जिक्रुल हकीम नंबर 4 में, और यही बात मिर्जा तैयर कहता है अपनी तफसीर में, उसने लिखी हुई है जो तर्जमा कुरान है ना मिर्जा तैयर का, उसने भी कुरान की चंद आयात से ये इस्तदलाल किया है कि ये उन लोगों के बारे में जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, वो अपने मज़ाहिब पर है, क़यामत और तौहीद पर है, तो वो जन्नत में जाएंगे, उनसे कोई खौफ नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है? मेरा भाई, मेरा तो ख्याल यही है कि अल्लाह नहीं, जो बात जिस हद तक है ना इसको दावत नहीं पहुंची, वो एक अलग मामला है, उसका मामला का लाज है ना, जिसको दावत नहीं पहुंचती वो जा सकता है जन्नत, ये तो अब उसका कहना कि उसके कायद क्या है, नहीं वो मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी जन्नत में जा सकता है, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये तो आपस की छोटी, नहीं मेरा नजरिया ये नहीं है, मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने मोटी जगह पढ़ी थी, उनको क़यामत के दिन मौका दिया जाएगा दोबारा, उसके बाद उनका फैसला होगा, नहीं कोई भी नहीं है, जो लोग मजदूर पाए, देखें मजदूर पाए गए हैं, देखें आप अगर किसी मुल्क में रहते हैं भले, या मैंने ये बात इनके लिटरेचर में पढ़ी है या अपने में पढ़ी है, लेकिन ये बात मैंने पढ़ी हुई है। मैं आपसे एक सादा सवाल पूछता हूँ, आप जिस मुल्क में भी रहते हैं आपने उस मुल्क का कानून पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा हुआ, सारा मुकम्मल कानून नहीं पढ़ा। अच्छा, अगर फर्ज किया आप या कोई और कोई जुर्म करे और अदालत में चला जाए और जाके जज से कहे कि भाई साहब मैनू मौका नहीं मिलिया, जे मैं तो पढ़िया ही नहीं सी है जुर्म में, आपका क्या ख्याल है जज क्या कहेगा उसको? नहीं, एक तो होता है ना कि जज उस पर होता है, एक होता है कि उसको उस मुल्क में वो कानून पहुंचे ही नहीं, वो लागू ही नहीं है कानून, फिर नहीं नहीं कानून तो लागू है, कानून लागू है, कानून अच्छा। पूरी दुनिया में लागू है, वो मैं आपको अभी हवाला दे दूंगा, लेकिन चलो, आप कोई मसला नहीं, मैंने नहीं वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, वो जज कहेगा भाई साहब ताड़ा प्रॉब्लम है, तुसी नहीं पढ़िया तो मैं की करा, नहीं पढ़ना है, एक अलग बात है ना, नहीं पढ़ना एक अलग गल है ना कि तुसा नहीं पढ़ी ये चीज, देखो सूरह इमरान में लिखा है वान साहब, वमन यब्तगी गैर अलइस्लाम दीना, जो भी इस्लाम के अलावा किसी भी दीन का तालिब होगा, फलन युक्बल मिन्हु, वो उससे कबूल नहीं किया जाए, वाहुवा फिल आखिराते मिनल खासरीन, और आखिरत में वो सारा ठारने वालों में से होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। चलें फिर उस्कानी भाई, मैं से वजात लूंगा फिर, क्योंकि आपने कंफ्यूज कर कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे, नहीं नहीं वो बात बड़ी लॉजिकल है ना जो आप, नहीं वही ना कंफ्यूज कर दिया कि थोड़ा सा इस पर मजीद तहकीक होनी चाहिए, फिर एक चीज मेरे ज़हन में थी, एक अलग पॉइंट आपने उठाया है, नहीं मैं आपको लोगों से, मैं अच्छा इन लोगों को मैं इस जमरे में ले रहा था जो ज़हनी तौर पर मजदूर होते हैं, मैं उस जमरे में ले रहा था, जो ज़हनी मजदूर है ना उसका तो कहते हैं हिसाब ही नहीं होगा, जैसे जिस शख्स को अपने इर्द गिर्द का इलम नहीं है वो सीधा जन्नत में जाएगा, जिस पर मेरा भी ईमान है। मेरा भी एक सवाल है नईम भाई आपसे, यार मेरे से सवाल जरा कादियानियत के बारे कर लो तो बेहतर है, बाद सवाल होते हैं नहीं जवाब होते हैं। मुझे ये बताएं जब आप ये किसी कादियानी से बात करते हैं तो अपने किसी भाई को बात करें कि ना बोलो बीच में, ये बंदा जो बात कर रहा है ये नाराज क्यों हो जाते हैं, ये बात है यार हमको कभी नहीं नाराज हुआ, कभी वक्त तो मैंने आपकी बात मैंने आपकी बात नहीं की, अगर आप किसी कादियानी से बात कर रहे हैं तो अपना जब फौजी कहते ना पीछे पीछे हो जाओ, मैं आ जाता मैं बहुत सियाणा वा नईम साहब तू, जो उन्होंने मना कर दी तो नाराज क्यों हो जाते हैं?
चलो मर्जी दी गल है यार, असी ते किसी तो हुक्म ना लाने हैं। अली भाई वो किसी बस अपनी अपनी तबीयत है ना, उन्हें लगता मिजाज है होते हैं अपने, जवाब दे सकते हैं, तो इसमें कोई मिजाज इतनी होता बड़ी है खराबी अपना। नहीं है कोई इतनी खराबी नहीं है, ये तो आपस भाई बंदी का मसला है ना। बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखें अभी डॉक्टर साहब, हमें काफी अरसा हो गया काम करते हुए जी, यहाँ टिकटॉक पर आकर ना थोड़ा सा बोलना शुरू किया। मैं इससे पहले बोलता बहुत कम था, व्हाट्सएप पर मैं शायद दिन में 2 या 3 ऑडियो मेरी होती थी। हाँ मुशावती ग्रुप में मेरी अक्सर ऑडियो होती थी, मुशावती जो ग्रुप था ना हमारा उसमें सबसे ज्यादा ऑडियो मेरी होती थी। लेकर गुफ्तगू करते हुए आमर भाई आगे होते थे, जैद भाई, जार रसूल भाई, ये गुफ्तगू करते थे, मैं बीच में हवाले प्रोवाइड करता रहता। एक काम था मेरे जिम्मे, वो रेगुलर मैं करता था, जो बात हो रही है उसके मुतल जितने हवाले हैं उनका पसे मंजर पूरा बयान करना, ये मेरे जिम्मे था काम का। तो अब मैं कई दफा ऐसा होता है कि अमर भाई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं कर भी रहा हूँ, वो आए तो मैं खामोश हो जाता हूँ। एक बंदा हमारा है गुफ्तगू करने वाला, बेहतर है अमर भाई को, बिल्कुल बशर साहब को, बिल्कुल जी होना चाहिए बंदे को, भले हमारे पास नहीं भाई की बराड चल नहीं रही सही, पता नहीं क्या मसला कर, 11 घंटे हो गए बंद ना काट दो थोड़ी देर, 11 घंटे हो गए, इसको आराम दे नहीं तो अली भाई आपकी ब्रॉड गिर ना जाए। आराम दे, खुद भी आराम करें, हमारे पास तो 11 हो रहे हैं, आपको 11 घंटे हो रहे हैं, हमारे पास वैसे 11 हो रहे हैं। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इवान साहब, देखते हैं किसी और ब्रॉड पे, देखते हैं किसी और।